तो यू वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। एंड आज फाइनली हम वीडियो लेके आ चुके हैं एक हफ्ते के बाद। एंड गाइस, आप मेरे को देख सकते हो कि मैं पूरे ही आर्मर में, डायमंड के आर्मर में सज चुका हूँ। तो यू व्हाट्सअप गेमर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से एक और बार आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड आज SMP के अंदर, फिलहाल के लिए मैं अभी अकेला हूँ SMP के अंदर। एंड अभी मैं हूँ अपने विलेजर हॉल में। एंड भाई, सबसे पहले मेरे को ये थर्ड पर्सन व्यू बंद करो। एंड भाई लेट्स गो। अभी भाई विलेजर्स कहाँ पे है? लो भाई, मेरे को आवाज आ रही है, मे बी वो शतक ऊपर गए होंगे। एंड भाई तीनों के तीनों विलेजर्स पता नहीं ऊपर कैसे आ गए, बट रहने दो भाई, इनको अभी यहीं पे रहने देते हैं। एंड अभी हम चलते हैं नीचे की साइड। आपको एक नई चीज दिखानी है जो कि बहुत ही सही चीज है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा न्यू ट्रेडिंग हॉल, जहाँ पे हमको एक बंदा भेज रहा है सिल्क टच। एंड भाई मैंने इसको लास्ट टाइम बहुत सारी ट्रेडिंग की थी, एंड ये फॉर्चून ट्यूब भी भेज रहा है, विच इज भाई अच्छा ही है। एंड भाई ये मल्टी शॉट मेरे को आगे के काम आएगी। एंड ये फॉर्चून 3 वाला बंदा है। एंड ये तो हमसे ये स्टिक्स के बदले ट्रेड कर रहा है। यार अभी मेरे पास स्टिक्स वगैरह नहीं है। एंड बट तुम देखो मेरा खजाना भाई, ये देखो भाई, ये स्टिक्स वगैरह भी मैंने यहीं पे रखी है। ये नॉकबैक की 1 की बुक्स है। एंड ये भाई फॉर्च्यून और बोन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स का है। भाई मैंने मतलब सेल्फ टच वगैरह ये पूरा मैंने स्टॉक रख रखा है यहाँ पे। एंड मेरे पास थॉर्न की भी कुछ कुछ बुक्स रखी होगी। खैर वो कहाँ पे रखी है मेरे को इतना ध्यान नहीं है, मैंने यहीं पर कहीं ना कहीं रखी होगी, मेरे को बस ढूंढनी होगी। ये तो सारी फॉर्च्यून की है, बट एनीवेज अभी इनको रहने देते हैं। एंड गाइस, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं हमारे कुछ अचीवमेंट्स पूरे। जैसे कि मैं यहाँ पे अचीवमेंट सेक्शन खोल लेता हूँ। तो सबसे पहला अचीवमेंट है लुक एट द पैरेट थ्रू अ स्पाई गॉगल्स। मेरे पास ये स्पाई ग्लासेस हैं, एंड बट यार हमको जंगल में जाना पड़ेगा, तो ये वाला तो फिलहाल के लिए मैं नहीं करने वाला। हम कर सकते हैं इज इट अ बलून, मतलब हमको एक स्पाई ग्लास से गांव को देखना है, जो कि हम कर सकते हैं। एंड एक तो एम वाला भी करने हैं अभी, और एक बोल्ट शाय वाला भी करने का ट्राई करेंगे, और एक टोटम ऑफ वाला, मतलब टोटम वाले भी ट्राई करेंगे क्योंकि हमारे पास टोटम ऑफ नहीं है। और स्टार्ट ट्रेड, या स्टार ट्रेड तो हम अभी फिलहाल के लिए तो नहीं कर सकते हैं, बट वी विल ट्राई। एंड सी के सोल्यूशन भी अपन तय तक नहीं कर सकते हैं। एंड केल टू फैंटम स्विच नहीं, हम ये भी नहीं कर सकते। एंड ये वाला हम कर सकते हैं, और भाई ये वाला भी हम नहीं कर सकते। एंड केबल केस ये वाला भी हम आज करने वाले हैं, और ये एडवेंचर टाइम भी हम बाद में करेंगे। एक ओके एंड भाई ये तीनों तो हम नहीं करेंगे। एंड नेदर में भी कुछ कुछ टास्क हैं जो कि रिटर्न सेंट है, ये वाला भी हम ट्राई करेंगे, और ये वाला भी नहीं, ये वाला तो बहुत हार्ड है। एंड भाई ये वाला मैंने वॉर पिक्स नहीं कर रखा है। एंड बाय द वे हमारा नेदर भी रीसेट हो चुका है, एंड मैंने वहां पे ये अपनी फोर्ट्रेस ढूंढ चुका हूँ। एंड भाई अभी हम मैंने ये एक्सप्लोरिंग और नेदर बायोम्स भी कंप्लीट किया है। और भाई और क्या कर सकते हैं हम? और तो भाई अभी फिलहाल के लिए तो और कुछ नहीं है। अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले वो और अपनी क्रोस वो दोनों ट्रेड करता हूँ। मेरे को यहाँ से थोड़ी बहुत स्टिक्स ही होगी, तो फटाफट यहाँ से स्टिक्स लेते हैं। हमने हमारी सारी स्टिक्स ले ली, और इससे हम ट्रेड करते हैं थोड़े एम्बल के बदले। भाई इसको भी हमने मतलब एक्सपर्ट पे कर रखा है। एंड भाई लेट्स गो। एंड गाइस अभी हमारे पास आ चुके हैं 15 एमराल्ड। हम इसके ले लेते हैं क्रॉसबो, एंड एक ले लेते हैं नॉर्मल बो। एंड हमारे पास एक एरो पड़ा हुआ है, तो हमको और एरो की जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। एंड आई थिंक मेरे पास एमराल्ड होंगे भाई। ओके यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट टाइम बॉल पड़ी है, जो कि अभी फिलहाल के लिए तो मेरे कुछ काम की नहीं है मेरी। और क्या क्या चीजें भाई देख सकते हैं? तो भाई और तो मेरे को फिलहाल के लिए तो कुछ नहीं दिख रहा है। एंड या सबसे पहले हम चलते हैं फटाफट से यहाँ बाहर, घर के बाहर। मेरे को आपको एक और चीज दिखानी है।
वही अभी तुम मेरे घर के पीछे देख पा रहे होगे। भाई ये देखो, अभी मेरे को इसको एकदम मतलब वर्ल्ड के हाइट लिमिट से ऊपर बनाना है। तो या अभी हमको ये भी करना है, उससे पहले हम ये वाला टास्क कर लेते हैं, एक क्रॉसबो वाला पहले कर लेते हैं। तो भाई जितना मेरे को पता है, बो को अगर अपन यूज भी कर देंगे ना, मेरे हिसाब से आ जाने चाहिए। बट हमको किसी एनिमल के ऊपर ट्राई करना होगा, तो फटाफट चलते हैं यहाँ भाई सामने वाले फार्म की तरफ। एंड हम करते हैं एम। एंड भाई ये लो, हमारा टास्क पूरा हो गया। एंड भाई ये बकरी बाहर चली गई। ओके एनीवेज नो प्रॉब्लम। एंड भाई मेरा तीर कहाँ पे चला गया? आई थिंक सो भाई, वो यूज हो चुका है भाई, जून में निकल चुका है। नॉट केल फॉर फूड प्रोडक्शन, कुत्ते भाई नहीं करेंगे। तो यार अभी फिलहाल के लिए मेरे को मेरे घर पे जाना पड़ेगा अपने एरोस के लिए, तो फटाफट चलते हैं। एंड हो सका तो हम नेदर के अंदर जाके पहले वो गास्ट वाला टास्क पहले कर देंगे। तो या लेट्स सी। एंड भाई मैं तुमको फोर्ट्रेस भी बताऊंगा। एंड भाई मेरे को एक और चीज मिली जिसके लिए मेरे को डायमंड की पिकेक्स चाहिए। तो या मैं अपनी डायमंड की पिकेक्स भी ले लेता हूँ। ओके यहाँ से हमको चाहिए क्या? तो हमको यहाँ से चाहिए एक भाई, सबसे पहले हम ये ले लेते हैं। ये मेरे पास फायर गॉगल पड़ा है। ओके फायर गॉगल पड़ा है। भाई ग्लासेस है, मैं गॉगल गॉगल कर रहा हूँ। ओके एनीवेज ये मेरे पास पड़ा है फायर ग्लासेस। एंड मेरी मतलब यहाँ से मैं मेरी फॉर्च्यून ट्री वाली मतलब वो भी उठा लेता हूँ पिकेक्स, क्योंकि मैं तुमको एक बहुत ही तगड़ी चीज दिखाने वाला हूँ अभी। तो यार फटाफट से चलते हैं। एंड भाई यार मेरा सामान चोरी भी हो चुका है बीच में, जो कि मेरा फ्रेंड ने किया था। एंड उसने फिर से मेरे को लौटा भी दिया था। तो या एंड भाई मैं मतलब कैसे ही नेदर में आया, ठीक है मेरे को नहीं पता था कि नेदर रीसेट हो चुका है। बट फिर मेरे को याद आया मतलब हो चुका था नेदर रीसेट। एंड मैं मतलब भाई मैं क्या ही बोलूँ, बट मेरे को याद नहीं रहा था। तो मैं जैसे ही नेदर में आया, मैं समझा कि भाई ये क्या सीन है, भाई मेरा बेशियन वगैरह कहाँ पे गया। एंड मैं क्रिम्सन बायोम में स्पॉन हुआ था। एंड ये कहाँ चली? फिर याद आया कि भाई हमारी वो भी मतलब नेदर रीसेट हो गया था। ओके तो एनीवेज मैं जैसे ही वर्ल्ड में आया, यहाँ पे आग जल रही थी, ठीक है। तो मैंने आग को सिंपली बुझाया। एंड भाई यहाँ पे मेरे को मतलब कौन सा लेवल है, Y17 75 पे हमको एंशिएंट डेब्रिस मिल गया। तो सबसे पहले इसके आसपास की चीजें खोल लेते हैं। एंड भाई हमारा फर्स्ट इस वर्ल्ड का एंशिएंट डेब्रिस हमारे पास आ चुका है गाइस। भाई ये लो, हमारी एक और इसको क्या कहते हैं, एडवांसमेंट हमारी हो चुकी है। तो ये वाला पाथवे मैंने बनाया था क्या बोलते हैं, हमारे प्यारे से फोर्ट्रेस पे जाने के लिए। तो हम चलते हैं। एंड भाई यहाँ पे उनको बीच में ग्रास भी देखने के लिए मिल सकती है। तो या एंड भाई मैं जब पहले आया था ना बनाने ये सब काम करने, तब तो भाई मेरे को दो तीन ग्रास दिखी थी, बट अभी नहीं दिख रही। एंड भाई अभी मैं पूरा ध्यान रखता हूँ ताकि अभी मैं जल नहीं जाऊँ। एंड भाई ये लो हमारी आ गई फोर्ट्रेस। एंड अभी इस पर चढ़ना पड़ेगा यार। ओके मैं अभी इसके अंदर तो नहीं गया था, इसके ऊपर ही गया था। तो या हमको चलिए हम लूट लेते हैं फटाफट से। भाई ये हमारी मतलब एंट्रेंस भी टेस्ट थे, और सामने की तरफ क्या क्या है हम पूरा देखते हुए चलते हैं। भाई मेरे को एक लेज रॉड देख चुका है, जो कि भाई मैं उसको फुल इग्नोर करने वाला हूँ। एंड ये लो हमारे थोड़े वो भी ले लेते हैं हम, इनको कहते हैं नेदर वॉट। एंड भाई यहाँ पे हम गोल्ड और आयरन तो क्या छोड़ो भाई, कौन ही एक काम करते ले लेते। खैर वैसे तो हमारे पास पूरा फार्म आयरन का, बट फिर भी ले लेते हैं। एंड भाई वो हॉर्स का आर्मर ले लो, काम आएंगे। एंड मेरे को मिल चुका है ब्लेड का स्पॉनर, जो कि काम आएगा, बट मेरे को यहाँ से भागना होगा। लो एक्सक्यूज मी।
भाई अभी फिलहाल के लिए तो मैं जा रहा हूँ, क्योंकि नहीं यार अगर मैं ऐसे काम करके जाती हूँ ना, मैं क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से चल के उसको लूट, भाई आजा आजा आजा, हम उसको मारो, ये हमको अगर स्कल ड्रॉप कर देता है एक ही बारी में तो भाई बहुत फायदा होगा अपना। एंड भाई यार ये लोग परेशान करेंगे भाई। कोई नहीं, मैं यहाँ पे पहले एक ब्लॉक लगा देता हूँ, फिर एक ब्लॉक तोड़ते हैं, क्या ये अंदर आएगा? ऑब्वियसली नहीं, वो तो आई नहीं। एंड अभी हम उसको मारेंगे, तो उसने कुछ ड्रॉप किया नहीं, सर कहना तो नहीं चाहिए बट नहीं किया। एंड प्लेस स्पॉनर से चलते हैं एक बार, एंड भाई देखते हैं, वो दोनों ब्लेस तो भाई डिस्पॉन हो गए, जल्दी स्पॉन हो भाई बाल को। तो उसको फैलान के लिए मेरे को अभी घास की आवाज हुई है भाई, मेरे बाजू में ही एक बायोम है भाई, मैं बायोम का नाम भूल गई, ओके सोल वैली बायोम है, जहाँ पे हमको घास अधिकतर देखने मिल सकती है। मैं पहले खाना खा लेता हूँ। एंड भाई मतलब दोनों ब्लेड एक साथ हुए तो अच्छी बात है। एंड भाई एक ने ड्रॉप कर दिया, एंड भाई यार मैंने कलेक्ट नहीं हुआ ना, इससे काम करते हैं। एंड भाई एक और हमारी हो चुकी एडवांसमेंट इनटू फायर है, जो तो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छी बात है। अभी हम यहाँ से निकलते हैं, ओके क्या निकलते हैं, इनको जाना भी है सोल वेली बायोम में, जो कि आएगी उस साइड की तरफ, तो वहीं पे चलते हैं। नो गास वाला भी करते हैं भाई, मैं एक और उसको मारने वाला हूँ फिलहाल के लिए तो। एंड भाई इसने हमको ड्रॉप किया, ओके इसने तो हमको कुछ भी ड्रॉप नहीं किया, बट एनी वेज हमारे पास एक तो आ चुकी है जिससे हम एक एंड चेस्ट बना सकते हैं, बट ये हमारा सामान जाए नहीं। एंड अभी हम फटाफट से ब्रेक करते हैं, ओके गाइस, ओके 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 ओके, मेरे को मेरा स्पाइक गॉगल निकालने दो फटाफट से। एंड नहीं वो डिस्पॉन मत हो जाना, ओके लेट्स गो, हमारे ये वाला टास्क भी कंप्लीट हो गया, लेट्स गो लेट्स गो। एंड भाई मेरे पास वो नहीं, एरो नहीं है, मतलब वो तो है बट एरो नहीं है, फटाफट से अपनी वो निकालो। एंड भाई मेरे को अभी स्केलेटन को मार के कि एरो लेनी होगी, एरो मुझे दे दे ठाकुर भाई, ये लावा में नहीं गिर जाए। ओए आ गया भाई, ये नीचे नहीं गिर जाए यार, तू मर जाए बट नीचे मत गिर। ओके ओके ड्रॉप किया ड्रॉप किया। एंड अभी हम करते हैं गास के ऊपर निशाने लगाते हैं। एंड भाई वेट अटैक, वहां पे मेरे को एक रूइन पोर्टल मिला, बट फिलहाल के लिए मेरा मन नहीं अभी वहां पे जाने के लिए, तो मैं अभी नहीं जाने वाला। भाई गास पता नहीं चल रहा कहाँ भाग गई, बट एनीवेज अभी हम यहाँ पे करते हैं ये रिलोड। एंड भाई हमारा एक और अचीवमेंट हो गया है अनलॉक, एंड इसको मारते हैं एंड फिर से चलते हैं हम ओवरवर्ल्ड में। ओवरवर्ल्ड में आने का ये सही तरीका है,
इस वर्ल्ड में जो कीप इन्वेंट्री है वो ट्रू है, मतलब आप मर भी जाओगे तो इन्वेंट्री आपकी रहेगी, तो इसकी वजह से इसमें क्या कर सकते हैं, आपका सामान तो रहेगा एंड आप मैं नेदर से इतना आसानी से आ सकता हूँ, मतलब बस आप मर जाओ। ओके, तो अभी हमने फिलहाल के लिए बहुत सारी अचीवमेंट कर लिए, अब हम पढ़ने वाले हैं 1.18 की सबसे बड़ी अचीवमेंट। तो यार लेट्स बिगिन, एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं हमारा वाटर बकेट, एंड भाई यहाँ से हम हमारा पानी पानी भाई ले लेते हैं, एंड भाई भाई ये एमएलजी के लिए भाई एक लाइक बनता है, भाई एक लाइक तो भाई बनता ही बनता है, एंड भाई वो भी मैंने इसको खराब कर दिया, इसको ऊपर जाना है, एंड अभी मैं इसको एकदम ध्यान से करने वाला हूँ, मतलब एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, फटाफट से ऊपर चलते हैं। ओके गाइस, अभी हम आ चुके हैं हाइट लिमिट तक, एंड भाई ये जैसे कि आप तुम मतलब जैसा कि तुम नीचे देख सकते हो हाइट लिमिट फॉर बिल्डिंग दिस। तो ओके गाइस, हम फाइनली हाइट लिमिट पे आ चुके हैं, जैसे कि तुम नीचे देख सकते हो हाइट लिमिट फॉर बिल्डिंग इज 319 आ चुका है, एंड भाई मैं कोई एक ब्लॉक भी प्लेस नहीं कर पा रहा, तो एक काम करते हैं हम फटाफट से हमारे हाथ में टोटम पकड़ते हैं एंड हम थोड़ा खाना खा लेते हैं, भाई लेट्स गो, हम यहाँ से होने वाले हैं फ्री फॉल, एंड भाई तो फाइनली हम करने वाले हैं फ्री फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्ल्ड बिल्ड लिमिट, मतलब बिल्ड लिमिट तक, एंड भाई एंजॉय कितना टाइम पास करता है। तो अभी हम यहाँ पे ट्राई करेंगे, अगर हम वाटर क्लच कर पाए तो ठीक है भाई, एंड अभी हम चलते हैं यहाँ से, एंड भाई लेट्स Go. And, हमारा टोटम यूज हो चुका है एंड हमारे पास आ चुका है गोल्ड रीच फॉर मोर्टल, भाई यार हमको एक ही अचीवमेंट मिली, हमको कायदे से तो दो मिलनी चाहिए भाई, वर्ल्ड बॉटम ऑफ वर्ल्ड एंड सर्वाइव, भाई सर्वाइव तो हुआ ना, ओके खैर मैं मर चुका था, मेरे को आई थिंक तो वाटर बकेट क्लच करना पड़ेगा, मेरे को फिर से ऊपर जाना पड़ेगा। भाई मुझे मिलनी चाहिए थी यार, बट नहीं मिली, तो यार अभी मैं ये वाली आप नहीं कर सकता भाई, मैं जा रहा हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ, मैं ये नहीं लिख रहा था कि वाटर बकेट एमएलजी करनी है, उसको लिख रहा था सर्वाइव होना है, एंड भाई मैं कायदे से सर्वाइव हुआ हूँ। ओके एनीवे, तो अभी हम करने वाले हैं बुलशाय वाली, मैं क्या नाम भूल गया उसका, ओके बुल चाय वाली हम कर लेते हैं फटाफट से, वो क्या होती है भाई कुछ तो होती है भाई, तभी हम करने वाले हैं बुल चाय वाली अचीवमेंट, एंड यहाँ से मैं थोड़ा एमरल्ड ले लेता हूँ ताकि मैं यहाँ से परचेज कर सकूँ थोड़े से एरोज, भाई ये लोग हमने सारे एरोज परचेज कर लिए, सारे एमरल्ड से सारे एरोज को परचेज कीजिए, फिर भी अभी हम चलते हैं यहाँ से, लेट्स गो, अभी हम जाने वाले हैं मेरे फार्म पे ताकि हम वहां से थोड़े से ये ब्लॉक ले पाए, फिर
ब्लॉक्स तो क्या ही लेंगे, ब्लॉक्स जैसे उनको कहते हैं वीट, जिससे हम बना पाए हे बेल, एंड हे बेल से हम बना सकेंगे बुल फ्राई, उसको कुछ तो नाम होगा बट मैं भाई नाम लिटरली भूल चुका हूँ। तो एनीवेज हम यहाँ से बनाते हैं एक तो क्राफ्टिंग टेबल, ये हमारी क्राफ्टिंग टेबल, एंड अभी फिलहाल के लिए तो मैं इसको यहीं पे लगा देता हूँ। एंड भाई मेरा खेत भी पूरा बर्बाद हो चुका है यार, बट इसको भी हम ठीक करेंगे इन माय फ्री टाइम। एंड भाई यार मैं ऑफलाइन ज्यादा गेम करता हूँ, मैं वीडियो नहीं बनाता यार, तो यार तुम व्यूज ही नहीं देते तो मेरे को वीडियो बनाने का मतलब ही नहीं बनता है भाई, मेरे को इच्छा नहीं होती वीडियो बनाने के लिए, बताऊँ तो यार तुम प्लीज लाइक करो यार। एंड भाई इसको कैसे क्या है, पहले तुम मुझे ये बताओ। और मेरा ओके, इसको कहते हैं हम टारगेट ब्लॉक, टारगेट ब्लॉक ओके। तो हमको एक ही बिल्ड की और 4 रेडस्टोन 10, तो फटाफट से हम वो भी लेके आते हैं 4 रेडस्टोन 10 यार, फटाफट से लेके आते हैं, लेट्स गो। भाई देख रहे हो कितने ओके ओके क्लच करता हूँ मैं, ओके मेरे को आई थिंक सो यहाँ पे रेडस्टोन मिल जाना चाहिए बट नहीं मिला। एनीवेज क्या हमको जरूरत भी नहीं है अभी, क्योंकि अभी मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, खैर कुछ काम तो आने वाला है नहीं रेडस्टोन 10, तो अभी हम यहीं से निकाल लेते हैं। जैसे 4 रेडस्टोन 10 चाहिए तो यार आसानी से हमको मिल जाएगी। एंड भाई यहाँ पे एक फिश भी है जिसको मैं फ्यूचर ट्रेन करूंगा, बट फिलहाल के लिए तो अभी कोई मूड नहीं है। हम कलेक्ट करते हैं फटाफट से, हमने कलेक्ट किया। एंड भाई मैं अभी सीड खेल देता हूँ फिलहाल के लिए, मेरे को ये ऑब्जर्वर उठाने। एंड देयर वी गो, अभी हम चलते हैं हमारी नजदीकी क्लास्टिक क्राफ्टिंग टेबल पे। एंड यहाँ पे हमने बना लिया है एक टारगेट ब्लॉक। एंड भाई मैं अपना फालतू का सामान जो है ना, मतलब जो भी फिलहाल के लिए तो काम नहीं आ रहा है, वो मैं इसके अंदर रखवा देता हूँ। एंड ये रहा हमारा टारगेट ब्लॉक, एंड अभी हम यहाँ इसको इसको यहाँ पे लगा। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।